यदि राहु के साथ यदि बृहस्पति हो, यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि दो ग्रह ही होने चाहिए, राहु और बृहस्पति, इसके साथ कोई तीसरा अन्य ग्रह ना हो। अगर राहु के साथ बृहस्पति हो, उसकी युति हो, तो ये दिखाता है कि घर में पूर्व समय में पूर्वजों द्वारा कभी न कभी किसी समय में किसी अच्छे साधु या अच्छे से अपमान किया गया होगा, या घर के पुरोहितों का अपमानित करके उनको हटाया गया होगा, तब इस दोष का निर्माण होता है। उस कंडीशन में बृहस्पति और राहु कुंडली में एक साथ में उपस्थित होते हैं। Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Welcome to Satri YouTube channel once again. आज हमारे साथ फिर आशुतोष भारद्वाज जी हैं। आशुतोष जी के साथ कुछ दिनों पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी पितृपक्ष के बारे में कि नेक्स्ट मंथ 15 सितंबर को पितृपक्ष के दिन शुरू होने वाले हैं। तो हम चर्चा यही कर रहे थे कि पितृपक्ष के लिए जनरली जुपिटर और सन, यही दो ग्रहों को कंसिडर किया जाता है। अगर ये अफ्लिक्टेड हैं तो पितृदोष है, या इनकी पोजीशन कुछ खराब ग्रहों में या खराब ग्रहों के द्वारा ये देखे जा रहे हैं तो पितृदोष माना जाता है। लेकिन आशुतोष जी ने बताया कि ना केवल जुपिटर और सन बल्कि दूसरे ग्रहों का भी हमारे वर्तमान जन्म में जो हमें समस्याएं आ रही हैं उनके साथ उनका कनेक्शन है, कि पुराने किसी जन्म के अंदर कोई खराब कर्म किया गया हो जो उन ग्रहों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो जनरली राहु जो है उसका इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन ऐसे करते हैं कि पुराने कर्मों का, पितरों के कर्मों का उससे कनेक्शन किया जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों का इस्तेमाल या उनकी एनालिसिस अपने पुराने कर्मों के द्वारा कैसे की जाए और उनका इस वर्तमान जन्म में हमारे जीवन में क्या उनके रिजल्ट्स हैं या लक्षण हैं या खराब घटनाएं हो रही हैं उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए आशुतोष जी हमारे साथ है। आशुतोष जी थैंक यू सो मच। जी मोहित जी नमस्कार। तो आशुतोष जी हम वही बात कर रहे थे जैसे पहले कि जुपिटर और सन को तो सभी कंसिडर करते हैं, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनको जी कैसे हम देखें कि पता चले कि पुराने जन्म में किसी जन्म में खराब कर्म उन ग्रहों के द्वारा दर्शाया गया इस वर्तमान जन्म में हमें परेशान कर रहा है। बिल्कुल मोहित जी, आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो सारी चीजों को स्पष्ट करते हैं। अब जैसे आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो पितृ ऋण के विषय में चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आखिर भाई पितृ ऋण का निर्माण कैसे होता है। तो मनुष्य की पूर्व की पीढ़ी द्वारा जाने या अनजाने में किए गए अनुचित कर्म के कारण इस पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब जन्म कुंडली में राहु एक ऐसा है जो इस ऋण को बताने का काम प्रमुखता से करता है। इसको इस तरह से मानिए कि राहु पूर्वजों द्वारा जाने या अनजाने में किए गए दोषपूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। नियम इस प्रकार से है कि राहु जन्म कुंडली में जिस किसी भी ग्रह से संबंधित हो या जिस किसी भी ग्रह के साथ युति हो, खास करके यहां पर हम लोग को युति लेना है, तो जिस ग्रह से भी राहु का युति होगा उसी ग्रह के कारकत्व से संबंधित व्यक्ति को पूर्वजों का दोष होता है। इस नियम को फिर से एक बार स्पष्ट कर रहा हूं कि राहु का जन्म कुंडली में जिस किसी भी ग्रह से युति हो उसी ग्रह के कारकत्व से संबंधित व्यक्ति को पूर्वजों का दोष होता है। इस ऋण का प्रभाव आप देखेंगे कि कई बार बहुत तीव्र होता है, अर्थात इसके व्यक्तियों को कई पीढ़ियों तक झेलने होते हैं, और कई बार इसका प्रभाव अल्प होता है, अर्थात व्यक्ति को अल्प मात्रा में ही सही लेकिन परेशानी झेलनी होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस दोष का निर्माण कैसे होता है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस दोष के निर्माण में मुख्य रूप से उत्तरदायी ग्रह जो है वो है राहु और दूसरा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, परंतु मुख्य उत्तरदायी ग्रह जो है वो राहु है। इस कारण से इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राहु की ही चर्चा करेंगे। जी मोहित जी। जी, तो राहु जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस भी प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई खराब कर्म पितरों के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल। मान लीजिए राहु, सन राहु का तो सबको मालूम है कि सन राहु से के साथ अगर कंजंक्ट है तो पितृ दोष को मानते हैं कि पितृ दोष है उसमें। अगर कोई दूसरा प्लैनेट मान लीजिए शुक्र है, शुक्र आ जाए तो उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? मैं आपको सातों ग्रह के विषय में ही बता देता हूं मोहित जी, एक एक करके कि किस ग्रह के कारकत्व से किस प्रकार के कर्म को किया गया और उस कर्म को करने के कारण व्यक्ति को वर्तमान में क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई और किस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ी, तीनों चीज। जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि राहु के साथ यदि बृहस्पति हो, यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि दो ग्रह ही होने चाहिए, राहु और बृहस्पति, इसके साथ कोई तीसरा अन्य ग्रह ना हो। अगर राहु के साथ बृहस्पति हो, उसकी युति हो, तो ये दिखाता है कि घर में पूर्व समय में पूर्वजों द्वारा कभी न कभी किसी समय में किसी अच्छे साधु या अच्छे अपमान किया गया होगा या घर के पुरोहितों का अपमानित करके उनको हटाया गया होगा, तब इस दोष का निर्माण होता है। उस कंडीशन में बृहस्पति और राहु कुंडली में एक साथ में उपस्थित होते हैं। अब ये दोष कब ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, अब देखेंगे कि व्यक्ति जिस स्थान पे भी रह रहा हो, जहां उसका घर हो, उस घर के आसपास में कोई मंदिर स्थित हो और वो मंदिर जो है वो जीर्ण और छीन अवस्था में हो, वहां पूजा पाठ ना किया जाता हो, या फिर मंदिर को तोड़ करके कोई अन्य चीज का निर्माण किया गया हो, तब फिर इस दोष का निर्माण, इस दोष का विशेष रूप से कुंडली में देखने को आता है। अब देखेंगे कि इस दोष के फलस्वरूप व्यक्ति को किस प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस किसी के भी कुंडली में ये दोष होगा उसके हर कार्य में देरी होगी, कोई भी काम उसको समय से नहीं होगा और उसको जीवन जो है बोझ की तरह लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि उसको उसके पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता, अर्थात कि ईश्वरीय सहायता उसको नहीं मिल पाती। जी मोहित जी। जी आशुतोष जी, आपने अभी बताया कि राहु के साथ कोई एक ही ग्रह होना चाहिए तभी वो दोष लगेगा। बिल्कुल। अगर दो हो या दो से ज्यादा हो तो क्या दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं होगा, उसका प्रभाव फिर बट जाएगा। राहु अगर मान लेते हैं तीन ग्रहों के साथ हो, चार ग्रहों के साथ हो, तो चारों तीनों ग्रह से संबंधित कर्म फिर आ जाएंगे, लेकिन वो काफी अल्प मात्रा में आएंगे। वो अगर दो ग्रह हैं राहु और उसके साथ कोई एक ग्रह है तो उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है, इस कारण से दो ग्रहों को विशेष रूप से लेना चाहिए। जी, तो इसमें क्या हम जैसे उनकी अंश या कला है, डिग्रीज हैं, उसको भी कंसिडर करें या एक हाउस में है वो उतना ही काफी है? बस आप देखिए यही कि एक घर में है दोनों, बस इतना ही काफी है बस। जी, ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर आपको D30 या D60 देखें, इससे फिर आपको और ज्यादा मतलब की वृहद जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन एक सामान्यतः पहला नजर में जो हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें आप यहाँ देखेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि ये व्यक्ति किस चीज से संबंधित पीड़ा को अभी वर्तमान जीवन में झेल रहा है ये चीजें। अब ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि सूर्य के साथ यदि राहु स्थित हो जन्म कुंडली में, तो ये सामान्यता दिखाता है कि जब कभी भी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु स्थित होगा तो व्यक्ति अपने पुराने रीति रिवाज का अवहेलना करता है या घर की जो कुल देवी होती है उनका स्थान परिवर्तन कर देता है या घर की कुल देवी को पूजना छोड़ देता है, फिर पूर्व समय में घर में ही कोई पिता तुल्य कोई व्यक्ति होंगे जिनको सेवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी तो उनकी सेवा उस समय नकार दी गई होगी,
सेवा नहीं किया गया होगा। तो ये सभी दोष सूर्य से संबंधित दिखाते हैं। अब इसी के साथ साथ अब अगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में व्यक्ति जिस घर में भी रह रहा हो उस घर के नीचे अगर अग्नि कुंड हो या अग्नि से संबंधित कुछ कार्यक्रम या क्रियाकलाप किया जाता हो या जो घर का छत है उस छत में रोशनदान बना हुआ हो तो फिर सूर्य का जो प्रभाव है नकारात्मक प्रभाव वो व्यक्ति को इस जीवन में ज्यादा झेलना पड़ेगा, सूर्य की पीड़ा व्यक्ति को ज्यादा प्राप्त होगी जी। अब सूर्य से संबंधित पीड़ा क्या मिल सकती है व्यक्ति को, तो यहाँ देखेंगे कि व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से संबंधित दिक्कतें आएंगे, घर में छापा पड़ेगा, अनावश्यक मुकदमे चलेंगे, धन का नुकसान होगा और संतान का मुख्य कारक ग्रह सूर्य है तो संतान से संबंधित कष्ट भी होता है। उसमें संतान में मतलब हम दोनों को लेंगे, लड़का और लड़की? संतान का कारक ही होता है सूर्य, कहीं कहीं बृहस्पति को भी माना गया है, लेकिन जब भृगु संहिता को अगर देखेंगे तो भृगु संहिता में संतान का कारक ग्रह सूर्य को माना गया है जी। तो यानी कि जनरल है, चाहे बेटा हो या बेटी उसका कारक सूर्य मानेंगे। बिल्कुल, कोई भी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो सूर्य संतान का कारक होता ही है जी। उससे संबंधित व्यक्ति को कष्ट होगा, या तो हाँ, या तो अगर लड़का हो या लड़की हो तो उसकी आजीविका नहीं लग पाएगी, या पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, नंबर कम आएंगे, या जब विवाह योग्य उम्र हो जाएगा तो उस समय विवाह नहीं होगी, ये सभी कष्ट व्यक्ति को संतान से संबंधित दे सकते हैं जी। ये बात हुई। हाँ जी, अब आप देखेंगे मोहित जी की राहु यदि चंद्रमा के साथ स्थित हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा। तो जब कभी भी राहु चंद्रमा के साथ स्थित होता है तो पूर्व की पीढ़ियों में माता को संतान से अलग किया गया होगा, माता को दुख दिया गया होगा, माता को भटकने के लिए विवश कर दिया गया होगा। इसके साथ साथ यदि वर्तमान परिवेश की बात करें तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जिस स्थान में भी रह रहा है उस स्थान के पास में एक कुआं होगा और जो कुआं होगा वो सूखा हुआ कुआं होगा या फिर सूखी हुई नदी होगी, और जो घर का गंदा पानी है वो उस कुएं में या फिर उस नदी में जाकर के बहती होगी। ये एक निशानी है जो कि चंद्रमा के दूषित होने का एक माध्यम बनता है। अब आप देखेंगे कि चंद्रमा जब दूषित होता है तो किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो इस दोष के फलस्वरूप व्यक्ति के घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, व्यक्ति का मन अशांत रहेगा और किसी ना किसी बात पे व्यक्ति का झगड़ा हमेशा होते रहता है, और व्यक्ति को सबसे बड़ी बात कि महिलाओं से दिक्कत आती है चंद्रमा दूषित होने पे जी। मोहित जी, जी आपने ये चलो सही बताया कि नेटिव को वुमेन से या लेडी से प्रॉब्लम होगी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि चाहे ये चार्ट किसी महिला का भी क्यों ना हो उसको भी किसी महिला से दिक्कत होगी? नहीं, अगर देखिए महिला है तो उसको पुरुष से दिक्कत होगी और अगर पुरुष है तो उसको महिला से दिक्कत होगी। अच्छा जी जी, तो अभी फिर सूर्य का जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी आप जब भी कुंडली देखेंगे ना तो चंद्रमा राहु अगर साथ में होगा तो उनके घर का जो बाहर पानी जाता है, जो गंदा पानी घर से बाहर जाता है वो किसी साफ जगह पे जाएगा या फिर किसी नदी में बहता हुआ होगा या उसको निकलने का माध्यम उचित नहीं होगा, ये आप खुद भी अपने अनुभव में देखेंगे जी। क्या वो समझ जाइए कि तब आप समझ जाइए कि चंद्रमा का वाकई में पूर्वजों से चला हुआ दोष वर्तमान समय तक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है जी। क्या इसके अलावा कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं इसके, अगर पानी वाला ना हो तो? चंद्रमा का मुख्य लक्षण वही जल ही होता है। अच्छा, और खास करके घर से बाहर निकलता हुआ जल जी। अब देखेंगे कि यदि जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु स्थित हो तो फिर ऋण का कारण क्या होता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ राहु स्थित हो तो पूर्व समय में व्यक्ति को
पुरुष समय में व्यक्ति ने स्त्री को पीड़ा दी होगी, स्त्री के साथ मारपीट की गई होगी। जब बच्चे का जन्म हुआ होगा उस समय किसी कारण विशेष से स्त्री को अपमानित करके घर से निकाला गया होगा। अब आप देखेंगे कि वर्तमान परिवेश में इसके क्या फल होते हैं। तो वर्तमान परिवेश में अगर आप कोई भी वाहन ले रहे हैं, या ऐसा माने कि जिस किसी के भी शुक्र और राहु स्थित है और वो कोई भी नया वाहन ले रहा है, और नया वाहन लेने के 2.5 मास के अंदर अगर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या घर में ही कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुक्र के ऋण द्वारा प्रभावित है। जी जी। तो अब आप देखेंगे कि इस दोष के फलस्वरूप व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो होता है वो सुखद नहीं होगा। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा और पत्नी के साथ काफी कम जमेगा व्यक्ति का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति का खाने में रुचि नहीं रहेगा, खाने में मन नहीं लगेगा, या उसको खाना ढंग से खाए कई दिन हो जाया करते हैं। ये दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। जी मोहित जी। जी मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि जैसे आपने बताया कि सूर्य और राहु है, या सूर्य और राहु और चंद्रमा, या राहु और शुक्र बैठे हैं, तो जी इन ग्रहों के कार्यकत्व के हिसाब से ये ऋण होंगे। लेकिन बिल्कुल अगर समहाउ नेटिव के चार्ट में जुपिटर अगर देख रहा हो उस कॉम्बिनेशन को, तो क्या जो ऋण है उनके अंदर थोड़ी कमी होगी, उसके इफेक्ट कम होंगे? अगर जुपिटर देख रहा है तो ये वाकई रूप से मतलब कि प्रदर्शित करता है कि जो व्यक्ति का ऋण है वो कुछ समय के लिए है, वो व्यक्ति का खत्म हो जाएगा। जी, और वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। बृहस्पति अगर देख लिया तो वो निश्चित रूप से प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति का जो ऋण है वो खत्म हो जाएगा, और इसी जन्म तक उसको झेलना पड़ेगा, उसके बाद वो ऋण कंटिन्यू नहीं होगा। जी जी। अब नेक्स्ट प्लैनेट है जन्म के साथ, यदि जन्म के समय यदि देखिएगा आप कि राहु के साथ अगर मंगल स्थित हो, जब कभी भी जन्म कुंडली में राहु के साथ मंगल स्थित हो, तो ये दिखाता है कि पुरुष समय में भाई के साथ विश्वासघात किया गया होगा, बेईमानी से जमीन जायदाद को हड़पा गया होगा, खेत में आग लगाया गया होगा। बहुत बड़ी बात। अब इसका वर्तमान परिवेश में क्या फल होता है वो देखिएगा। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो घर है, घर में अग्नि से संबंधित बहुत घटनाएं होती हैं, घर में आग लग जाता है, या फिर आप देखेंगे कि घर में बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण है वह बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं। फ्रिज है वो बहुत जल्दी खराब हो गया, वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी खराब हो गया, बिजली से संबंधित जो भी चीजें हैं, बिजली से जो भी चीजें चलती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर ये चीजें हो रही हैं तो फिर समझिए कि व्यक्ति का मंगल का ऋण वर्तमान समय में विद्यमान है। अब इस दोष से क्या फल होगा, इस दोष का क्या परिणाम होता है? तो इस दोष के फलस्वरूप आप देखेंगे कि व्यक्ति के परिवार में एकता नहीं रहती है, व्यक्ति चोरी या फिर धोखा से बहुत ज्यादा व्यथित रहता है, बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, और सबसे ज्यादा है कि उसको उसके विश्वसनीय लोग ही धोखा देते हैं, और गुप्त शत्रु के कारण बहुत ज्यादा हानि होती है। जी मोहित जी। इसी के साथ अब देखेंगे कि यदि जन्म के समय बुध के साथ राहु स्थित हो, तो ये दिखाता है कि पुरुष समय में बहन या फिर बेटी पर अत्याचार किया गया होगा, उन्हें धोखा दिया गया होगा, धोखे में रहकर उनकी शादी की गई होगी, या उन्हें बेचा गया होगा। इस प्रकार के कर्म को वर्तमान पुरुष समय में ये दर्शाता है। अब यदि वर्तमान परिवेश की बात करें, तो यदि व्यक्ति के घर में अधिक उम्र तक बिन ब्याही कन्या घर में हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति बुध के ऋण द्वारा प्रभावित है,
इस दोष के फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति के पास धन का संचय नहीं हो पाता, व्यापार में अकारण नुकसान होता है, बाजार में पैसा फंस जाता है, फिर उसके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है या उसको शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। जी मोहित जी, तो अगर किसी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो उसके बच्चों में भी इश्यू हो सकता है कि उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता ही है कि उसके परिवार में कोई ना कोई, क्योंकि अब सारे प्लैनेट को देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जिसको पढ़ाई में दिक्कतें आई। लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से एक मोटा मोटा ये दिखा देता है कि परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी पढ़ाई ठीक नहीं चली होगी या पढ़ाई चक्कर के बीच गई होगी या फिर उसने पढ़ाई में बहुत ज्यादा कठिनाई सामना किया होगा। जी, एक एक प्रश्न मेरे माइंड में और आया आशुतोष जी। जी मोहित जी, हम अभी बात कर रहे थे जुपिटर की कि जुपिटर अगर देखता है तो वो ऋण इस जन्म में उस नेटिव के खत्म हो जाएंगे। जी, अब जनरली अगर किसी के चार्ट में जुपिटर वक्री हो तो कुछ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वक्री का मतलब एक घर पीछे से भी देख रहा है। जी, तो क्या उस कंडीशन को हम ले सकते हैं कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर वक्री है तो वक्री होकर ही इसमें से किसी कॉम्बिनेशन को देख रहा है, राहु किसी के साथ बैठा है और वो उसको देख रहा है? इस संदर्भ में कोई शास्त्रीय परामर्श या शास्त्रीय सम्मत तो नहीं मिलता, लेकिन अगर अपने अनुभव की मैं बात करूं मोहित जी, तो अगर वक्री बृहस्पति देखेगा तो फिर ये दोष रह जाता है, भंग नहीं होता, ये मेरा अनुभव है। जी, बृहस्पति हमेशा मार्गी हो, देखे इन कॉम्बिनेशन को, तभी ये दोष भंग होगा। अगर बृहस्पति वक्री है और देखता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन जस का तस रह जाता है। जी, अब आप देखेंगे कि यदि जन्म के समय शनि के साथ राहु स्थित हो तो ये दिखाता है कि जो ऋण का कारण है वो पूर्व समय में किसी गर्भिणी पशु की हत्या की गई होगी या व्यक्ति के पूर्वजों की जो जमीन है उसमें एक जमीन ऐसी होगी जो किसी निर्वंश से ली गई होगी, जिसकी कोई औलाद नहीं होगी, वैसे व्यक्ति से कुछ जमीन ली गई होगी। अब इसका वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो व्यक्ति ने अगर रास्ते पे मकान हो, सामान्य चलने वाले रास्ते पे अपना मकान बनाया हो, कुआं को ढककर मकान बनाया हो, तो दक्षिण दिशा में खूब बड़ा दरवाजा हो या कोई दरवाजा हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति शनि के ऋण द्वारा प्रभावित है। अब आप देखेंगे कि इस दोष से संबंधित क्या पीड़ा मिलती है व्यक्ति को, तो इस दोष से संबंधित व्यक्ति को यही पीड़ा होती है कि उसकी आजीविका बार बार परिवर्तित होती चली जाती है, व्यक्ति को स्वयं के मकान का सुख नहीं मिल पाता और व्यक्ति हमेशा योग्यता से नीचे वाले स्थान पर ही कार्य करता है, घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनसे व्यक्ति को पीड़ा मिलती है। जी मोहित जी, जी ये सातों प्लैनेट का एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि पूर्व समय से ये कर्म इस जन्म तक ट्रांसफर हो रहे हैं और इस जन्म में व्यक्ति क्या कर रहा है अपने घर से संबंधित और दूसरी उससे संबंधित उसको पीड़ा क्या मिलेगी। जी, और ये हम तब मान के चलेंगे जब वो प्लैनेट राहु के साथ है, केतु के साथ नहीं है। जी, राहु के साथ। चलो आशुतोष जी, एक प्रश्न मेरे माइंड में आया है। जी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि राहु किसी भी प्लैनेट के साथ हो तो उसका दोष है, लेकिन अगर राहु अकेला हो और किसी को देख रहा हो तो क्या उससे भी दोष उत्पन्न होगा? नहीं नहीं मोहित जी, यहाँ पर अकेला राहु का कोई दोष नहीं है, अकेला राहु का कोई दोष नहीं लिया गया है। किसी ग्रह के साथ युति में होना चाहिए और वो भी अकेला ग्रह के साथ हो, तभी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। और अगर जैसे काल सर्प जन्मी होता है, लेकिन कुछ लोगों के चार्ट में ऐसा होता है कि काल सर्प आंशिक
आंशिक नहीं मतलब बन नहीं रहा है कि बाकी प्लैनेट एक तरफ है और एक प्लैनेट एक्सिस से बाहर आ गया राहु केतु से जी, तो उसके इसमें क्या है कुछ इसका बनने के चांस? बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, आप देखेंगे कि यदि राहु और केतु का एक्सिस से एक प्लैनेट बाहर चला जाए, सिर्फ एक प्लैनेट, तो जो प्लैनेट बाहर गया है वो प्लैनेट भी पूर्व समय में किए गए अनुचित कर्म को, पूर्वजों द्वारा किए गए अनुचित कर्म को दर्शाता है। बिल्कुल। अब वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको अभी बता रहा हूं तो ये कर्म को वो भी दिखाएगा प्लैनेट जो राहु और केतु के एक्सिस से बाहर चला गया है। जी, तो आज हमने आशुतोष जी ये डिस्कस किया कि किस किस प्लैनेट का राहु के साथ होने से क्या दोष उत्पन्न होगा। अब जो हमारे ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट इस बात में भी होगा कि उसका निवारण कैसे किया जाए, उपाय कैसे करें। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम कुछ समय निकाल के इनके उपाय के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि उनकी जिज्ञासा जो है वो एज इज ना रहे, उसको उसका आंसर भी मिले। बिल्कुल मोहित जी, अगला मैं भी यही सोच रहा था कि अगला जो वीडियो बनाया जाए वो इन सभी दोषों का निवारण किस प्रकार से हो सकता है इस पे एक वीडियो बनाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के वो वीडियो भी जल्दी करेंगे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके।